हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे मीलिंग टाइम। अगर आपने मेरे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो आप उसे पहले देख लें, मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको लिस्ट मिल जाएगा। गाइस, मीलिंग में होता क्या है, इसका बेनिफिट्स क्या है मीलिंग टाइम का, कि अगर हम कोई लेटर, कोई मैसेज, कोई भी एक रिपोर्ट ही है, अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे जितने भी एम्प्लॉय हैं मैं सबको भेजना चाहती हूँ, मेरे एम्प्लॉय 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, तो गाइज मुझे लेटर यानी जो भी मेरी रिपोर्टिंग है, लेटर है, वो मेरे लिए सेम होगा कि सबको मेरे को इक्वली भेजना है। लेकिन जो गाइज हमारे ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, 50 लोग, 20 लोग, उनका एड्रेस, नेम, कॉन्टेक्ट सेम नहीं होगा। तो गाइज इसके लिए हम इस मेलिंग ऑप्शन का यूज़ करते हैं कि अगर हम एक ही लेटर 50 लोगों को पोस्ट करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो हम एक साथ कैसे करें अलग अलग एड्रेस के साथ। ठीक है, तो गाइज उसके लिए हमें क्या करना है, पहले एक फॉर्मेट बनाना होता है कि हमें किस किस को भेजना है। तो हम उसके लिए सेलेक्ट रेसिपिएंट्स में जाएंगे और यहाँ से टाइप न्यू लिस्ट लेंगे। तो देखिए, एक फॉर्म खुल के आ जाएगा। इस फॉर्म में आपको करना क्या है कि इस फॉर्म में आप जो जो डिटेल्स फिल करना चाहते हैं आप वो डिटेल्स फिल कीजिए। बहुत सारे ऑप्शन ऐसे हैं जो हमें नहीं चाहिए, तो आप यहाँ से कस्टमाइज कॉलम में जाके डिलीट कर सकते हैं। जैसे मुझे कंपनी नेम ही नहीं चाहिए, तो आप यहाँ से डिलीट करते हैं और यस कर देंगे। एड्रेस मुझे दो है, मैंने एक डिलीट कर दिया। ठीक है, ऐसे स्टेट है, मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। कंट्रीज मैंने डिलीट कर दी, वर्क फॉर्म मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, जिप कोड भी मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, अगर इनमें कुछ एडिट करना है तो आप रीनेम कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एड्रेस लाइन 1 की जगह ओनली एड्रेस रखा है। ठीक है, इनके अलावा कुछ एडिट करना चाहते हैं गाइस तो आप ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे यूज़ कर दिया डेट ऑफ बर्थ, तो देखिए यहाँ पे आ गया। अगर इसको ऊपर नीचे सेट करना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं कि इसको ऊपर जाना चाहिए या नीचे आना चाहिए, तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, मैं इसको नहीं रखती हूँ। और इसके बाद आप गाइस ओके करेंगे तो सिर्फ उतना ही डाटा फिल करने के लिए आएगा। देखिए आपका आगे का ऑप्शन हाइड हो गया, तो उतने ही ऑप्शंस आए। टाइटल में आपका सब्जेक्ट भी हो सकता है और मिस्टर मिसेस भी हो सकता है। तो आप देखिए आपको रखना क्या है, टाइटल में मिस्टर या मिसेस रखना है या आप टॉपिक कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे मिस ले रही हूँ, ठीक है, लास्ट नेम, फिर एड्रेस, आप टैब यूज कर सकते हैं नेक्स्ट पे जाने के लिए, एरो के यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया लक्ष्मी नगर सिटी दिल्ली, और जो भी उसका फोन नंबर है वो हमने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, फिर ईमेल आईडी अगर उनका है तो डालेंगे, नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया rani@gmail.com। फिर ऐसे ही नेक्स्ट के लिए आप यहाँ पे गाइस न्यू एंट्री पे भी जा सकते हैं या आप टैब ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से टैब यूज़ करके भी नेक्स्ट एंट्री जो है वो पास कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बना दिया से गए, मैंने 3 लेटर्स बना लिए। आप ऐसे कितने ही बना सकते हैं, 10, 20, 50 जितने भी बनाना चाहते हैं, देन आप ओके करेंगे गाइस। तो ये सबसे पहले हमारा जो ये मेलिंग डाटा है उसको सेव करने के लिए बोलेगा। आप इसे किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं, जैसे मैंने डाटा नाम से सेव कर दिया। ठीक है, जैसे मैंने डाटा डाला एंड सेव कर दिया, तो देखिए आगे के ऑप्शन हमारे ऑन हो गया। अब जो भी मैंने फील्ड इंसर्ट किए, सारे फील्ड कहलाते हैं जो मैंने फिल किया है। तो यहाँ से देखिए मर्ज फील्ड कि मैं किसको कैसे अरेंज करना चाहती हूँ, ये आपके ऊपर है। तो आप जैसे पहले टाइटल रखना चाहते हैं तो मैंने टाइटल रखा एंड स्पेस रख लिया मैंने, फिर मैंने फर्स्ट नेम रखा, फिर स्पेस, फिर मैंने लास्ट नेम रखा, फिर नेक्स्ट टाइम में सपोज मैं एड्रेस देती हूँ, मैंने एड्रेस दे दिया, उसी के साथ मैंने सिटी दे दिया, फिर मैं कॉन्टेक्ट नंबर जो है वो नीचे रखना चाहती हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ से क्या करा, फोन नंबर रखा, उसके नीचे मैं ईमेल आईडी रखना चाहते हैं, ईमेल आईडी। उसके अलावा अगर हम लेटर पोस्ट कर रहे हैं तो हम ग्रीटिंग लाइन, जैसे हम डियर मिस्टर या डियर टू जो भी हम लगाते हैं उसके नाम के साथ, तो ग्रीटिंग लाइन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप यूज़ कर सकते हैं डियर या टू यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रहे डियर मिस शर्मा। अगर आप चाहते हैं उसका जो नेम है वो आए तो आप यहाँ से मैच फील्ड में जाएंगे। गाइस जो यहाँ पे लास्ट नेम है इसको आप यहाँ से क्या कर देंगे, नॉट मैच कर देंगे, देन ओके कर देंगे।
ठीक है, तो इससे क्या होगा, देखिए उसका नाम आ गया, देखिए सेकंड पे देखते हो तो करण आ गया, डियर करण, और मैं थर्ड लेती हूँ तो तीन रिकॉर्ड बनाया तो देखिए ऑटोमेटिक डियर्स आ गए। सर ओके करेंगे तो देखिए ग्रीटिंग लाइन, और आप यहाँ पे अपना लेटर जो भी लिखना चाहते हैं आप टाइप कीजिए, जैसे मैंने ये एग्जाम्पल मैंने ये ले लिया, ठीक है, और मैंने यहाँ पे जो भी आप लिखना चाहते हैं, थैंक यू या योर नेम, जो भी आपका नेम है, आप जो भी डिटेल्स देना चाहते हैं वो टाइप कर सकते हैं। अब देखिए गाइस ये लेटर तो मैंने बना लिया, ठीक है, अब इस लेटर में क्या करना है, मुझे इनकी डिटेल्स फिल करनी है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ये ऑप्शन यूज करते हैं प्रीव्यू रिजल्ट, जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए उनका रिकॉर्ड आ गया। अब तो ये हमारा थर्ड रिकॉर्ड है सुनीता का, अगर मैं पिछले पे जाना चाहती हूँ तो देखिए सेकंड पे, तो देखिए सिर्फ इतना ही डाटा चेंज होगा, जो हमारे नीचे के लेटर है वो सेम रहेंगे। अगर मैं यहाँ से चेंज करती हूँ तो देखिए ये तो मैंने लिख रखा है, देखिए जो मैंने डिटेल्स फिल किया सिर्फ वही चेंज हो रहा है, यहाँ पे रानी का आ गया, अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट का आ गया, ये सेकंड का हमारा करण झा का आ गया, और थर्ड लेते थे मैंने सुनीता का बनाया तो सुनीता का, और लेटर सेम रहेगा, ठीक है। फिर है हमारा एड्रेस ब्लॉक, जैसे इसका एड्रेस चेक करना चाहते हैं तो जो भी सुनीता का एड्रेस होगा वो दिखाएगा आपका, ठीक है, इसका कोई यूज नहीं है। और हाईलाइट में क्या होता है गाइस, जो भी मैंने ये फील्ड बनाए हैं उनको ये हाईलाइट करते हैं, सिलेक्ट करेगा ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। अगर इनमें कुछ मिसिंग हो गया आप कुछ एडिट करना चाहते हैं तो गाइस एडिट पे जाएंगे, देखिए यहाँ पे अगर मैं एडिट करूँगी तो नहीं होगा, मैं कुछ टाइप कर रही हूँ तो नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आपको उसी डाटा पे जाना होगा जिस नाम से आपने सेव किया था, आपने किस नाम से सेव किया था, डाटा मेलिंग डाटाबेस, ठीक है, तो मैंने इसे सेलेक्ट किया और यहाँ से हम एडिट करेंगे तो देखिए गाइस खुल गया। आप अगर इसमें एडिट करना चाहते हैं न्यू एडिट या कुछ डिलीट करना चाहते हो कर सकते हो, कुछ कस्टमाइज करना चाहते हो तो कर सकते हैं, ठीक है गाइस ओके करेंगे। फिर ये पूछेगा अपडेट करना चाहते हैं इसे, तो हम यस करना चाहते हैं अगर हमने चेंजिंग किए तो, और देन ओके, तो अगर आपने अपडेट किया होगा तो ये सारी चेंजिंग्स हो जाएंगे, ठीक है। तो गाइस मेन तो ये है, अभी देखिए हमारा एक ही पेज पे आ रहा है, अगर मैं चाहती हूँ कि इंडिविजुअल पेज पे आ जाए हमारा ये जो भी है, यानी मैंने जितने हेडिंग्स बनाए हैं यानी जितने लोगों के मैंने मेलिंग में लेटर्स बनाए वो हर पेज पे इंडिविजुअल आ जाए, तो हम यहाँ से लास्ट ऑप्शन यूज करते हैं गाइस फिनिश एंड मर्ज एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट। और देखिए यहाँ से आप ये भी लिख सकते हैं कि कब अभी लेंगे तो करेंट का आएगा, और फ्रॉम लेंगे जैसे मुझे फर्स्ट टेन तक ही प्रिंट करवाना है तो फर्स्ट टू टेन आप यहाँ पे नंबर यूज करते हैं, उसके लिए उतने पेजेस पे आपके बने होने चाहिए, और ऑल सबके चाहते हैं तो ऑल ले सकते हैं, देन ओके। तो देखिए एक न्यू पेज ऑन हो जाएगा, और देखिए फर्स्ट हमारा आ गया जिसका भी था मिस रानी का, अगर मैं सेकेंड देखती हूँ तो देखिए सेकेंड ऑटोमेटिक आ गया हमारा करण झा का, और देखिए इसमें जो हमने लेटर टाइप किया था जो भी पैराग्राफ्स थे हमारे वो ऑटोमेटिक आ चुके हैं, ठीक है। और जो थर्ड हमने बनाया था सुनीता शर्मा का, तो देखिए थर्ड का भी ऑटोमेटिक हमारा यहाँ पे ऑटोमेटिक कॉपी हो चुका है, तो हमें ये बार बार एडजस्ट नहीं करना, हम प्रिंट करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो आई होप आपको ये मेलिंग समझ में आया कि हम एक ही लेटर को डिफरेंट लोगों के लिए हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो गाइस आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो कोई क्वेश्चंस हो तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस उसे प्लीज़ कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।